हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एमए इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस के बारे में। हम प्रीवियस ईयर से फाइनल ईयर तक का कंप्लीट सिलेबस देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सिलेबस। तो मैं हूँ सोनम जैन, और चूंकि ये विक्रम यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, साथ ही साथ में अगर हम बात करें कि ये 2013-14 ऑनवर्ड से, बट अभी तक यही सिलेबस लागू है। आप चाहे प्रीवियस में हैं, फाइनल में हैं, जोन से भी अगर हम बात करें यहाँ पे ईयर में हैं, आप जिस भी सेमेस्टर में हैं, तो उन सभी के लिए सिलेबस जो है फॉलो होगा। ठीक है, अब एमए प्रीवियस इंग्लिश लिटरेचर पेपर सेमेस्टर है आपका, फर्स्ट पेपर है आपका, फर्स्ट पेपर है पोएट्री का जो कोर्स है। अब यहाँ पर एक चीज़ और हम जान लेते हैं, आप प्रीवियस से लेकर जब फाइनल ईयर तक जाएंगे, यानी कि 50 मार्क्स का आपका थ्योरी होगा, 40 मार्क्स का अगर हम बात करेंगे पेपर, और 10 मार्क्स का सीसी होगा। किसके लिए? रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। बट अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, तो आपके लिए ये पेपर होगा 50 मार्क्स का, और सीसीई जो सीसीई होते हैं वो आप लोगों के नहीं होंगे। ये चीज़ आप कंपलसरी ध्यान रखिएगा। अब पेपर किस टाइप से आएगा ये भी देख लेते हैं। जब आप स्टार्ट ही कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे 3 सेक्शन होंगे, ए बी एंड सी सेक्शंस होंगे। इस ए बी सी सेक्शंस में सबसे पहला जो सेक्शंस होगा आपका ए, उसके अंदर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 5x3 यानी 15 मार्क्स। बी सेक्शंस के अंदर होंगे आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 5x5 यानी कि आपका 25 मार्क्स, 5 और ये कितने हुए आपके यहाँ पर 40 मार्क्स हो गए। ठीक है, अब इसके अलावा क्या होगा कि भैया सेकंड पॉइंट ये बता दें यहाँ पर कि भैया जो सेक्शन बी होगा आपका, वो ईच यूनिट में से सिलेक्टेड होगा टू बी वन क्वेश्चंस। ठीक है, और वर्ड लिमिट के साथ ही आपको आंसर लिखना होगा कि भाई जो शॉर्ट आंसर है उसको 100 वर्ड्स में, और आपका लॉन्ग आंसर आपको लिखना है 500 वर्ड्स में। ठीक है, चलिए अब हम हमारा सिलेबस स्टार्ट करते हैं जो लगातार आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5। अब जब आप एमए कर रहे हैं तो आपको कौन सी बुक से पढ़ना बेस्ट होगा, तो ये कुछ रिकमेंडेड बुक्स हैं, आप इनसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुकें आती हैं इंग्लिश लिटरेचर को लेकर, उन बुकों से भी आप पढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपका एमए प्रीवियस ईयर इंग्लिश लिटरेचर सेमेस्टर फर्स्ट कोर्स है आपका ड्रामा, और ये पेपर है आपका सेकंड, सेम टू सेम रहेगा। अब हम पहले पेपर में ये सब डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम फिर से इसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली इसका सिलेबस देखेंगे जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पर शो हो रहा है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट आपकी 4, यूनिट 5, देन आपका यहाँ पर ये रिकमेंडेड बुक्स, कौन सी बुक से पढ़ेंगे। आपने सिलेबस तो देख लिया, बट यहाँ पे बुक्स भी तो देखना जरूरी है कि आप इन बुकों से कैसे पढ़ेंगे, ये सिलेबस कैसे पढ़ेंगे। चलिए, एमए प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट एमए इंग्लिश लिटरेचर, पेपर आप सेमेस्टर वही फर्स्ट, आपका कोर्स है फिक्टेशन, और पेपर 3 है ये, और ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, हम फिर से नहीं करेंगे। अब डायरेक्टली हम क्या कर लेते हैं, सिलेबस देख लेते हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट आपकी 4, देन यूनिट 5, और कौन सी बुकों से पढ़ना बेस्ट होगा आपके लिए, तो ये बुक्स यहाँ पर शो हो रही है। ये अलग अलग राइटर्स हैं, अलग अलग पब्लिशर्स हैं, आप इनकी बुक्स जो हैं वो पढ़ सकते हैं। चलिए, एमए प्रीवियस ईयर इंग्लिश लिटरेचर सेमेस्टर वही फर्स्ट पॉट्स, और आपका पेपर 4, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हम डायरेक्ट सिलेबस देखते हैं। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4,
देन लास्ट आ जाती है आपकी यूनिट नंबर फिफ्थ। कौन सी बुकों से पढ़ना बेस्ट होगा? तो ये आपको स्क्रीन पर शो हो रही है, ये बुक राइटर्स, बुक नेम, पब्लिशर्स के नेम यहाँ पर आपको हमने शो करवाए हैं। तो इन बुकों से आप पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे नंबर आप लोगों को मिल सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें। इसके अलावा एमए प्रीवियस ईयर के पेपर भी अपलोड है चैनल पर, तो आप उनको भी देख सकते हैं। और वीडियो पूरा देखिएगा, आपको फर्स्ट से लेकर फाइनल ईयर तक का कंप्लीट सिलेबस इस पर मिलेगा। तो चलिए अब हमारा हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हुई एमए प्रीवियस ईयर इंग्लिश लिटरेचर। और चूँकि अब जो कोर्स हमारा चेंज हो गया है, इट मीन्स चेंज से मतलब आप अब सेकंड सेमेस्टर में आ गए हैं, और ये है आपका पोएट्री पेपर नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। अब जब आप सेकंड सेमेस्टर में आ जाएंगे तब भी सेम पैटर्न रहेगा आपका, एग्ज़ाम का नंबरिंग सेम रहेगी, सब कुछ सेम रहेगा। कोर्स चेंज होगा, सेकंड सेमेस्टर के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब यूनिट नंबर हम बात करेंगे वन की, यूनिट नंबर वन। सिलेबस आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, स्क्रीन शॉट लीजिए, वीडियो डाउनलोड करके रख लीजिए। यूनिट नंबर थर्ड, यूनिट नंबर फोर्थ एंड देन यूनिट नंबर फिफ्थ। कौन सी बुकों से पढ़ना बेस्ट होगा? तो ये फोर बुक्स राइटर एंड बुक नेम है, आप चाहें तो इन बुकों से पढ़ सकते हैं और काफी अच्छे नंबर ला सकते हैं। एम ए प्रीवियस ईयर इंग्लिश लिटरेचर सेमेस्टर सेकंड, कोर्स है आपका ड्रामा, पेपर ये सेकंड है। इसका सिलेबस देखते हैं हम, यूनिट नंबर वन, यूनिट नंबर सेकंड, यूनिट नंबर थर्ड, यूनिट नंबर फोर्थ, देन यूनिट नंबर फिफ्थ। कौन सी बुकों से पढ़ना बेस्ट होगा? तो ये फोर बुक्स एंड बुक्स राइटर्स के नेम दिए हुए हैं, आप इन बुकों से पढ़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगने पर प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए एमए प्रीवियस ईयर इंग्लिश लिटरेचर सेमेस्टर सेकंड, पेपर नंबर थर्ड, यूनिट वन, यूनिट नंबर सेकंड, यूनिट नंबर थर्ड, यूनिट नंबर फोर्थ, देन यूनिट नंबर फिफ्थ। रिकमेंडेड बुक्स, अब देखिए इस पेपर को पढ़ने के लिए बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, ये इतनी बुक्स है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लाइब्रेरी में जाइए, ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन भी बहुत सारी बुकें मिलती है, कुछ बुक्स आप मार्केट से परचेज भी कर सकते हैं, है ना, जैसा भी आपको ठीक लगे आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए एम ए प्रीवियस ईयर इंग्लिश लिटरेचर सेमेस्टर सेकंड पोर्ट्स, और आपका पेपर नंबर ये है फोर्थ। चलिए सिलेबस आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, यूनिट नंबर वन, यूनिट नंबर सेकंड, यूनिट नंबर थर्ड, यूनिट फोर्थ, देन यूनिट नंबर फिफ्थ। रिकमेंडेड बुक्स ये फोर राइटर्स, इन बुक्स से आप पढ़ सकते हैं। और आप लोग चाहें तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, और कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए अब आप एमए फाइनल ईयर में आ चुके हैं, इट मीन्स सेमेस्टर जो है आपका थर्ड सेमेस्टर हो गया है, और आप जब फाइनल ईयर में आ गए हैं, ठीक है, और फाइनल ईयर में ये पेपर नंबर ऑप्शनल पेपर होता है, कंपलसरी पेपर है, इसमें से कोई एक पेपर चुनना होगा आपको। और यहाँ पर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है,
अब देखिए पेपर का जो पैटर्न है फाइनल ईयर में आने के बाद भी सेम रहेगा, वही 40 10 मार्क्स इसी प्राइवेट है 50। ठीक है, अब सिलेबस यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, देन लास्ट आ जाती है आपकी यूनिट नंबर 5। रिकमेंडेड बुक्स कौन सी बुकों से पढ़ना आपके लिए बेस्ट होगा? तो देखिए ये इतनी सारी बुक्स हैं, ठीक है, इन बुकों से आप पढ़ सकते हैं और फाइनल ईयर में काफ़ी अच्छे हो सकता है। फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में आपके परसेंटेज थोड़े डाउन हो गए हों, पर आपको अगर इंक्रीज करना है तो इन बुकों को पढ़िए ताकि आपको अच्छे नंबर मिले। चलिए MA फाइनल ईयर सेमेस्टर 3rd, सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर और इसका सब टाइटल है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का, ये भी कंपलसरी पेपर है, पेपर नंबर है आपका 2nd। पैटर्न सेम है, यूनिट 1, यूनिट 2nd, यूनिट 3rd, यूनिट 4th, देन लास्ट आ जाती है आपकी यूनिट नंबर 5th। कौन सी बुकों से पढ़ना बेस्ट है? तो ये इतनी सारी बुक्स शो हो रही हैं, आप इन बुकों से पढ़िए और बहुत ही अच्छे नंबर लेके आइए। मैं बुक बार बार बताती हूँ, है ना, फिर भी बच्चे मैसेज करके पूछते हैं मैडम कौन सी बुक्स सजेस्टिंग बुक्स बताइए, मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मुश्किल से मिलती है, कहाँ पर भी आप सर्च कर लेना बुक के नेम बहुत मुश्किल मिलेंगे। MA फाइनल सेमेस्टर 3rd इंग्लिश लिटरेचर, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश और पेपर 3rd का ऑप्शनल है ये 1, आप चाहें तो ये चूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा भी अलग ऑप्शन मिलेंगे आपको 3rd सेमेस्टर में जब आप जाएंगे तब देखिएगा। यूनिट 1, यूनिट 2nd, यूनिट 3rd, यूनिट 4th, लास्ट आ जाती है आपकी यूनिट नंबर 5th। कौन सी बुकों से पढ़ेंगे? तो ये बुक्स यहाँ पे सजेस्ट की हुई है, इन बुकों से आप जो है यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये जो हायर एजुकेशन पर अवेलेबल है सिलेबस 15-16 के नाम पर, बट 13-14 आ रहा है और पर अभी तक यही सिलेबस चल रहा है। चलिए MA फाइनल सेमेस्टर 3rd इंग्लिश लिटरेचर का और टाइटल ऑफ सब ग्रुप है इसका कॉमनवेल्थ लिटरेचर इन इंग्लिश, पेपर 3rd ही है पर बी आप पहला भी चुन सकते थे, आप 2nd भी चुन सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं। एग्जाम पैटर्न सेम रहेगा, यूनिट 1, यूनिट 2nd, यूनिट 3rd, यूनिट 4th, देन लास्ट आप यूनिट नंबर 5th। ये वाला पेपर कौन सी बुकों से पढ़ना बेस्ट है? तो ये 2 बुक्स यहाँ पे सजेस्ट की गई है और ये सारी बुकें जो भी हमने पहले बताई आपको अभी भी हम बता रहे हैं, तो ये MP हायर एजुकेशन के द्वारा ही दी गई है। MA फाइनल ईयर 3rd सेमेस्टर, सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर है आपका, सब टाइटल है इसका स्पेशल स्टडीज, पेपर 4th का ए है, ऑप्शनल है, 3rd पे भी हमने देखा 4th में भी आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं। क्या आप इंग्लिश लिटरेचर किस में करना पसंद करेंगे? देखिए बहुत छोटा सा ही सिलेबस है इसका, यूनिट नंबर 1, वन टू थ्री फोर्थ एंड 5th। कौन सी बुकों से पढ़ना बेस्ट होगा? तो ये बुक्स दिख रही है 1, 2, 3, 4 बहुत सारी बुक्स हैं, आप इनसे पढ़ सकते हैं। चलिए
एम ए फाइनल ईयर सेमेस्टर थर्ड, इंग्लिश लिटरेचर है। सब टाइटल इसका अमेरिकन लिटरेचर, और फोर्थ का भी बी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शनल है। पेपर पैटर्न सेम है। इसका सिलेबस देख लेते हैं हम यहाँ पर। यूनिट वन, यूनिट टू, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ एंड यूनिट नंबर फिफ्थ। कौन सी बुकों से पढ़ना बेस्ट होगा, तो ये बुक्स यहाँ पे सजेस्ट की हुई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। चलिए, एम ए फाइनल ईयर सेमेस्टर थर्ड, इंग्लिश लिटरेचर, पेपर फोर्थ का ये सी ऑप्शनल पेपर है। इसका सिलेबस थोड़ा सा लेंदी दिखता है मेरे को। यूनिट नंबर वन, यूनिट नंबर सेकंड, यूनिट नंबर थर्ड, नंबर फोर्थ, देन यूनिट नंबर फिफ्थ। कौन सी बुकों से पढ़ना बेस्ट होगा, तो ये एड बुक दी हुई है ये। इन बुकों से आप इस पेपर को पढ़ सकते हैं। हर पेपर के नीचे बुक राइटर के नेम सजेस्ट है, आप चाहें उस बुक से पढ़ सकते हैं। चलिए, अब एम ए फाइनल ईयर ही चल रहा है, बट अब आप आ चुके हैं फोर्थ सेमेस्टर में, ठीक है गाइस। अब आप जब फोर्थ सेमेस्टर में आ गए हैं, इंग्लिश लिटरेचर और पेपर नंबर फर्स्ट है यहाँ पर। पेपर एग्जाम पैटर्न सब जगह सेम ही चल रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। यूनिट नंबर वन, यूनिट नंबर सेकंड, देन यूनिट नंबर थर्ड। यूनिट नंबर फोर्थ, देन यूनिट नंबर फिफ्थ। कौन सी बुकों से पढ़ना बेस्ट होगा इस पेपर को, अब देखिए एक चीज़ और आपके लिए यहाँ पर है कि ये बुक्स तो हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर इन एडिशन टू द पेपर ऑफ थ्योरी वेयर विल बी ए प्रोजेक्ट ऑफ 50 मार्क्स इन सेमेस्टर फोर्थ। 50 नंबर का आपको प्रोजेक्ट मिलेगा इस सेमेस्टर के अंदर, जो आपको करना होगा वो आपको कॉलेज में बता देंगे आपके कॉलेज के जो प्रोफेसर्स हैं वो लोग। एम ए फाइनल पेपर सॉरी सेमेस्टर फोर्थ, सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज जो कंपलसरी पेपर है इसका, पेपर सेकंड, इसमें चॉइस नहीं कर सकते हैं आप। चलिए, एग्जाम पैटर्न सेम, यूनिट नंबर वन, यूनिट नंबर सेकंड, यूनिट नंबर थर्ड, यूनिट नंबर फोर्थ एंड यूनिट नंबर फिफ्थ। बुक्स तो ये सिक्स बुक्स हैं, आप इन सिक्स बुक्स से पढ़िए, आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे। चलिए, एम ए फाइनल सेमेस्टर फोर्थ, सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, पेपर थर्ड का वन ऑप्शनल है ये। यूनिट वन, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट नंबर फोर्थ एंड यूनिट नंबर फिफ्थ। और वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई सवाल हैं तो आप मुझे बिल्कुल भेज सकते हैं, और रिकमेंड बुक्स हैं आप इन बुकों से पढ़िए और काफ़ी अच्छे नंबर लेके आइए। एम ए फाइनल ईयर सेमेस्टर फर्स्ट, सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर, कॉमनवेल्थ लिटरेचर इन इंग्लिश, और पेपर थर्ड का बी ऑप्शन है ये। पेपर पैटर्न सेम है, सिलेबस देख लेते हैं मेन। यूनिट नंबर वन, यूनिट नंबर सेकंड, यूनिट नंबर थर्ड,
यूनिट नंबर फोर्थ, देन यूनिट नंबर फिफ्थ। रिकमेंड्स बुक्स ये देख लीजिए, ये दो बुक्स रिकमेंडेड की गई है। एम ए फाइनल सेमेस्टर फोर्थ सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर स्पेशलिस्ट स्टडीज, पेपर फोर्थ का ए ऑप्शन है ये, यूनिट नंबर वन, यूनिट नंबर सेकंड, यूनिट नंबर थर्ड, यूनिट नंबर फोर्थ एंड यूनिट नंबर फिफ्थ। बुक्स तो ये बुक्स यहाँ पर शो है, इन बुकों से आप जो है पढ़ सकते हो, काफी अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। चलिए एम ए फाइनल ईयर सेमेस्टर है आपका फोर्थ सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर, अमेरिकन जो लिटरेचर है वो पेपर का टाइटल है, पेपर फोर्थ का बी ऑप्शन है ये, और एग्जाम पैटर्न तो सब बार में सेम ही है। सिलेबस देखते हैं, वन टू यूनिट थ्री यूनिट फोर्थ देन लास्ट यूनिट नंबर फिफ्थ। बुक्स इन बुकों से आप पढ़ सकते हैं। चलिए एम ए फाइनल सेमिस्टर फोर्थ सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर, सब टाइटल है यहाँ पे इसका, और ये है आपका फोर्थ का सी। चलिए इसका सिलेबस देख लेते हैं, यूनिट वन, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, यूनिट नंबर फिफ्थ। पचास नंबर का प्रोजेक्ट इस पेपर के साथ भी है, और ये बुक्स है, आप यहाँ से यहाँ तक ये बुक्स पढ़ सकते हैं। देन इसके बाद में ये आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट भी करना है इस पेपर में। राइट गाइस, और वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और कोई आपके सवाल है कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू।